Assalamu alaikum. Good morning, students. I hope you are very well at your home. As you know, I am your Urdu teacher Ilma as a part of New Horizon Public School. सब अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब मैं आपको कराने जा रही हूँ आपका डिक्टेशन सिक्स क्लास. आपका डिक्टेशन यानी कि इमले में पहला अल्फाज है आपका आया, सेकंड बहके, थर्ड रसूल, फोर्थ आलिम, फिफ्थ करम, सिक्स खुदाया, सेवन तलाश, एट इल्तेजा, नाइन चमक. ये सब आपके मैं आगे आपको और भी बताऊंगी, इतना आप लोगों के समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए. आप लोगों को ये याद भी करना है और नोट भी करना है. आइए आगे बढ़ते हैं. चमक, टेन इबादत, अलेवन दिल, ट्वेल्व शुमार, थर्टीन हुक्म, फोर्टीन शे, फिफ्टीन बईद, सिक्स गुनाहगार, सेवनटीन बंदगी, एटीन अलम, नाइनटीन कड़क, ट्वेंटी करम. ये आपकी डिक्टेशन के 20 वर्ड्स जो आपको लर्न करने हैं. अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है आपका अल्फाज मायनी. अल्फाज मायनी भी मैं एक बार आपको पढ़ के बता देती हूँ. खालिक बनाने वाला, दो जहां, दुनिया और आखिरत, कुदरत, कादिर होना या कुछ भी करने की ताकत रखना. आप दोनों में से एक लिख सकते हैं. मुख्तार मालिक, करम मेहरबानी, शम्स व कमर, सूरज और चांद, संग पत्थर, शजर दरख्त पेड़. इसमें से आप एक लिख सकते हैं. रईद आसमानी बिजली, कड़क गरज, अलम मुसीबत, बंदगी बंदे होने का इजहार, गुनाहगार खतागार, इल्तिजा फरियाद अर्जी. इसमें से भी एक लिख सकते हैं. बईद दौर दौर, खुदाया या इलाही, जस्तजू तलाश. ये था आपके अल्फाज मायनी. अगर अब भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं. ठीक है, अब आते हैं सवाल जवाब पर. इसके बाद आपके सवाल जवाब. आइए स्टार्ट करते हैं. दोनों जहां का खालिक और मालिक कौन है? दोनों जहां का खालिक और मालिक अल्लाह है. दूसरा सवाल है आपको, सितारों को चमक और रईद को कड़क किसने दी है? जवाब, सितारों को चमक और रईद को कड़क अल्लाह ने दी है. सवाल नंबर तीन, कैसे शख्स की ज़िंदगी को बर्बाद ज़िंदगी कहा गया है? जो शख्स दिल से ना करे अल्लाह की बंदगी, उस शख्स की ज़िंदगी बर्बाद है. मक्ता यानी आखिरी शेर में शायर क्या कहना चाहता है और इसके शायर का क्या नाम है? आखिरी शेर में शायर दुआओं को अल्लाह रसूल के वास्ते पूरी करने को कह रहा है और इसके शायर का नाम अज़ियाकूब हुसैन राज है. शायर का नाम अज़ियाकूब हुसैन. स्टूडेंट, ये सारा वर्क आपका नोट डाउन वर्क है जो आपको कॉपी पे नोट डाउन करना है. अब बात करते हैं आपके होमवर्क की. तो होमवर्क में आपको मैंने लिखा हुआ है, इसमें की तारीफ़ लिखो मियाँ मिसाल. ये आपको लर्न भी करनी है और नोट भी करनी है. स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे अगले टॉपिक पे बात करना होगी. अब मैं आपसे इजाज़त